के आए हो? पढ़ आए हो? गर्मी में गर्म काली शर्ट पहन के फिरा, दिमाग ठीक है तेरा? गर्मियों में काली शर्ट पहन के एंजॉय कर रही हो। वही हुआ जिसका डर था। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शिजाल, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज है जी फ्राइडे का दिन और अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो रिपोर्टर बन गया हूँ ऐसे फील हो रहा है। तो अभी ना सुबह के 9:30 बजे हैं और अभी सबसे पहले जो काम मैंने करना है वो मैंने नहाना, और आपने टाइटल भी पढ़ा होगा कि आज का सीन क्या है, आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं नहा धो लेता हूँ, उसके बाद फिर मैंने नाश्ता करना है, फिर मैंने चाय पीनी है, और उसके बाद फिर जो है ना मेरा कहते हैं ना वो एक समझ लें लाइफ का सबसे बड़ा काम करना है आज हमने। तो बगैर टाइम वेस्ट किए नहा लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। अगर आप तो समझ नहीं आए फिर भी तो वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह भी सब कुछ कर लें। तो मिलते हैं बाद में। ये कपड़े मैंने इस्त्री करके रख लिए हैं, आज मैं यही पहनूँगा और मुझे लगता है कि मुझे ये जुम्मे पर भी यही पहनने पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं ना शायद वहाँ से जब हम वापस आएँ तो इतना टाइम ना हो कि मैं कोई और कपड़े इस्त्री करके जा सकूँ। तो फिलहाल मैं नहा लेता हूँ, वो तो बात की बात है। तो अंदर भी भाई आज फ्रेश फ्रेश बैठे हैं और चाय चाह रहे हैं। आज मेरे ख्याल इनको टाइम से खाना मिल गया है। नहा धो के मैं हो गया हूँ रेडी, और अब ना मुझे इतनी शदीद वाला मेरा ग्लूकोज लेवल लो हुआ बैठा है ना, क्योंकि मैंने सुबह से ना पानी पिया ना ही मैंने कुछ खाया पिया है। तो अभी मैं नाश्ता करता हूँ, लस्सी शस्सी पीता हूँ कोई अच्छी सी टिका के, ताकि थोड़ी सी मेरे अंदर एनर्जी आए, ताकि मैं व्लॉग को मज़ीद कंटिन्यू कर सकूँ। तो अभी नाश्ता आ जाता है, नाश्ता करते हैं, और उसके बाद फिर भाई जाकर तो मैंने जाना है चुटकी मार के, कहाँ जाना है वीडियो को देखते रहिए। ये रहा जी नाश्ता, नाश्ते में बनाया जी माशाल्लाह से अंडा साहिब बने, और साथ में लस्सी तो फिर गांव में होती, और साथ में अम्मा जी के हाथ के बने स्पेशल पराठे। तो अभी मैं पराठा जो है ना पराठा वो भी खा लेता हूँ और लस्सी भी पी लेता हूँ, ताकि मेरे अंदर थोड़ी सी बस एनर्जी आ जाए। नाश्ता मैंने कर लिया है और अब थोड़ी सी ना मुझे एनर्जी आ रही है, तो साथ में फिर एक डोज और मिल जाए, और वो भी चाय की, तो फिर वो कहते हैं ना वारे न्यारे हो जाते हैं। तो अभी चाय मैं पी लेता हूँ, और भाई लियाकत जो उन्होंने नाश्ता भी कर लिया, चाय वगैरह पी लिया, और वो रेडी हो रहे हैं, और उसके बाद फिर निकलते हैं। अम्मा जी भी आ गई हैं और कोई फरमाइश ले कर आई हैं, तो उनकी ज़बानी सुन लेते हैं। हाँ जी, फरमाइश तो अच्छा मिसाल लेने में अंजर में सब सारा ही कम दे हैं। अच्छा गोलियां ही अपनी याद ना ला रही हैं। मेरी कौन सी गोलियां? आईब्रो की। हाँ ये आपने अच्छा किया, बाकी चलो आपने थोड़ा सा सही नहीं किया, बाकी ये अच्छा किया याद दिला। हाँ एक बार तो और खाऊंगा साहब, ज़ाहिर है अंदर से भी कुछ असर होगा तो बाहर से तो नहीं ना सारा ट्रीटमेंट चलना। हाँ जी, आर यू रेडी? काम नहीं ठीक हुआ? ठीक हो गया मुर्गी, मैं मुर्गी जाया तो नहीं गई? वो हो गया मुर्गी। चलिए तो अभी हम बस निकलने लगे, मैं गेट खोलता हूँ, पहले मैं ये सामान थोड़ा सा ये रखूँ। ये गाड़ी का सबसे बड़ा मसला है कि गेट मुझे हर बार खोलना पड़ता है। हम बस घर से निकल चुके हैं और शहर की तरफ ही जा रहे हैं, और मुझसे ना वो कहते हैं ना सब्र नहीं हो रहा, तो आपका टाइटल से भी वैसे पता चल ही गया होना है कि हम किस लिए जा रहे हैं, तो मैं भी अब बता ही देता हूँ। एक्चुअली में हम ना आज गाड़ी के लिए ही जा रहे हैं, और गाड़ी बुक करवाने का हमारा प्लान बना है, और वो भी नई। काफ़ी ज़्यादा हमने गाड़ियाँ देखी, आपने हमारे पिछले व्लॉग भी देखे होंगे, तो बहुत ज़्यादा सोचो विचार के बाद हमने यही सोचा कि गाड़ी नहीं बुक करवा ली जाए ना, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि 2-3 साल आराम से निकल जाएंगे, मसले मसाइल उसके नहीं होंगे। ऐसे ही है नई गाड़ी का यही फ़ायदा है कि 4-5 साल जो है ना वो आराम से निकाल जाती है, ये वर्कशॉपों के धक्के वगैरह ये नहीं खाने पड़ते, आराम से बस चलाओ। ये भाई लियाकत चल जाती है आराम से। भाई लियाकत ने ली थी ना नहीं, तो कह रहे हैं कि 3-4 साल तो मैंने आराम से 3 साल तो आराम से गुजारे हैं ना, कोई मसला नहीं हुआ। तो वैसे भी हम आपको पता है नए हैं, तो कोई बड़ी गाड़ी हम लें तो हमारे लिए मसला भी हो सकता है, उसको संभालना सीखना। पहले तो हमने सीखनी भी, इसलिए हमने ना सोचा यही है कि कोई हैशबैक लेते हैं। अभी ये आपके लिए छोटा सा एक सरप्राइज़ है कि हम कौन सी गाड़ी लेने वाले, आगे आपको पता चल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सरप्राइज़ ही रखेंगे, जब आएगी आपको दिखाएँगे। तो अभी शहर जा रहे हैं, शोरूम जाना, सबसे पहले कुछ और काम कम्प्लीट करने हैं वो कर लेंगे, और उसके बाद फिर गाड़ी जाके देखते हैं, और अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं तो आज बुक करवा के ही आएँगे। अच्छा, तो अभी जो है ना हम आए हैं बैंक, क्योंकि मैंने अपने कुछ यूनिवर्सिटी के काम करने हैं, वो कोई मैथ्स बिल वगैरह इस तरह की चीज़ें सबमिट करवानी है, वो साथ साथ मैं कहता हूँ कि कंप्लीट करता रहूँ, क्योंकि बाद में मैंने क्लियरेंस भी करवानी है, तो पहले मैं वो करवा के आता हूँ और उसके बाद फिर आगे चलेंगे शोरूम पर। सो भी मैंने बैंक से हो लिया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम उधर लग गया था, रश काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जैसे तैसे ना काम कम्प्लीट कर लिया। मैंने कहा आया हूँ इतनी गर्मी में तो करके ही जाऊँ। तो अभी हम जा रहे हैं शोरूम और गाड़ी देखते हैं जाके, और फिर जो प्रोसीजर है करते हैं। आए तो गाड़ियों को ना भाई पाकिस्तान बनाया हुआ है इन्होंने। गाड़ी भी चेक कर लें फिर, हाँ करते हैं, अभी गाड़ी चेक करते हैं और उसके बाद फिर डिसाइड करके बुक करवाते हैं जो भी प्रोसीजर है। ये रही जी एक गाड़ी, दिस इज़ VXL, यानी कि मैनुअल वेरिएंट है ये। लास्ट टाइम तो भाई ताकत आए थे तो हमें तो इतना जेता हवा नहीं थी, और भाई लैपटॉप को भी चेक करवा लेते हैं, उसके बाद फिर डील डन करते हैं। अंदर से अभी कर सकते हैं, इसमें ड्यूल बैग हैं, एयर बैग एक साथ अपना पैसेंजर के लिए फ्रंट। अच्छा, ये जो AGS है और ये VXL में मेन डिफरेंस सिर्फ ऑटोमेटिक का, उसके अलावा भी कोई डिफरेंस है? एयर बैग इनमें इजाफा है, इसमें ABS ब्रेक है। अच्छा, LCD इजाफा हो गया आपके साथ। हाँ जी, इसके अलावा आप इसकी फिनिशिंग देखें, इसके इंजन में बहुत बेहतरी है, G20 सीरीज। दिस इज़ इंजन, और कुछ इस तरह की सिचुएशन है इसकी। ये इधर सदाकत भी खुआ रिकार्ड के, तू गर्मी में गर्म काली शर्ट पहन के फिरा, दिमाग का ठीक है तेरा? गर्मियों में काली शर्ट पहन के फिरा तो मैंने कहा मौसम इस तरह है कि चलो मेरे भी चल जाएगा। अच्छा जी, गाड़ी हमने देख ली है तो अभी डिसाइड करना है, तो जाके करते हैं। हाँ फिर डिसाइड, मतलब कि डिसाइड हो गया है, हमने थोड़ा सा प्रोसीजर रहते हैं। हेलो, हाथ रख के डिग्री डिजाइन। सदाकत भी इधर ही है भाई, लियाकत भी इधर ही है। गाड़ी हमने देख ली है और ये आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज रखते हैं कि कौन सी देखी है हमने। बुक करवाएंगे, फिर गाड़ी आएगी, फिर आपको दिखाएंगे। तो तब तक आपने ना गैस करना है और बताना है कि कौन सी ली होगी, आल्टो ली होगी, वैगन। ये तो आपको पता है कि सुजुकी की गाड़ी होने वाली है, तो बताना ये है कि आल्टो होगी, कल्टस होगी, वैगनर होगी, या फिर वो क्या कहते हैं सुजुकी बुलान कैरी डब्बा। तो देखते हैं कि आप क्या गैस करते हैं। मुझे मैं 100% श्योर हूँ कि 90%, मैं 100% श्योर हूँ, आपको 90% का कह रहा हूँ कि 90% ठीक बताएंगे। तो अभी ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी करनी पड़ेंगी, पहले बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ से कोई चालान वगैरह निकलवाने पड़ेंगे, मतलब लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। आपको पता पाकिस्तान में कोई काम आसानी से नहीं होता, तो वो करना है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द शैम्पू की डंडी आ जाएगी। ताकत अब स्कूल से आया था, डायरेक्ट इधर शोरूम में ही आया, इसकी पता नहीं क्या आग लगी हुई थी, उड़ता उड़ता आया। तो ये तो बाइक पे ही जाएगा, छन्नों छन्नों करता हुआ। हम गाड़ी पे आए थे भाई लियाकत, और मैं गाड़ी को तो छोड़ के इधर जा नहीं सकते, तो मेरा पूरा टाइम से निकल घर पहुँच। तो हम ना अभी बैंक जाएंगे और वहाँ से ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है, वो करते हैं, और उसके बाद फिर घर निकलेंगे। बल्कि शोरूम आना पड़ेगा और इनको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने पड़ेंगे, उसके बाद ही फिर घर जाएँगे। भाई जा रहे हैं स्टोर पे, कोई शावेज के लिए कोई पैम्पर पूम्पर खरीदने हैं और उसके दूध वगैरह का इंतज़ाम करना था। ये डड्डी जा रही है जिस पे मैं अक्सर जाता हूँ इस्लामाबाद। सच बताऊँ तो मुझे ना वो अम्मा ने कही थी मेडिसिन वगैरह और सब्ज़ी वगैरह, तो मुझे भाई लियाकत यहाँ स्टोर पे उतरे हैं तो मुझे याद आया कि वो भी खरीदनी, अदरवाइज़ मैं घर जा रहा था। फिर घर जाकर अम्मा ने वो क्या कहते हैं थोड़ी सी करनी थी मेरी इज़्ज़त अफजाई, तो फिर मुझे समझ आनी थी कि वो भी करनी, तो याद आ गई अभी वहाँ आके थोड़ा मेडिकल स्टोर है वहाँ से अपनी टैबलेट्स वगैरह भी खरीदता हूँ और सब्ज़ी वगैरह भी खरीद लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो बैंक तो हम गए थे लेकिन वही हुआ, वो कहते हैं ना जिसका डर था मूवी वाला सीन हो जाता है, वही हुआ जिसका डर था। तो बैंक जो है बंद हो गए, बंद नहीं हुए मतलब सीन ये हुआ है कि घंटा डेढ़ घंटे की ब्रेक हो गई है, 12:30 हो गए, क्योंकि आज आपको पता है जुम्मा भी है। ये हमने प्लान करके इस हिसाब से निकले ही नहीं कि हमने जुम्मे का टाइम भी अपना ना वो मैनेज करना है, इस हिसाब से निकले कि जुम्मे की ब्रेक ना हो। लेकिन अभी पहुंचे हैं बैंक तो उन्होंने कहा जी ब्रेक हो गई है, या ऑलमोस्ट 2:30 बजे ओपन होंगे दोबारा से, तब तक ना हमारी ना वो क्या बन जाएगी, कुल्फ़ी तो नहीं बनेगी, सर्दियाँ नहीं है, गर्मी है तो कुछ गर्म ही बनेगा। तो अभी ना हम वापस ही जा रहे हैं क्योंकि ना फॉर्मेलिटीज़ बहुत लंबा चौड़ा काम है, उसमें तकरीबन हमारा घंटा डेढ़ लग जाना है। पाकिस्तान का ना सबसे बड़ा इशू ये है, कुछ भी करो फॉर्मेलिटीज़ का, अगर 100 पेज लेके बैठ जाएंगे, साइन करो, यहाँ करो, ये गलत हो गया, ये गलत साइन हुए, ये दोबारा करो, ये वापस जाओ, वहाँ से ऐसे करवा के ले आओ, मतलब ना बहुत काम है। तो अभी तो वापस ही जा रहे हैं, अदरवाइज़ आज हमारा पक्का प्लान था कि आना गाड़ी बुक करवा के जाएँ। तो फिर यही है, अगर कल सैटरडे है मेरे ख्याल में ना हमारे यानी कि जो सिटी है यहाँ पे बैंक ओपन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम सिटीज़ में ना बड़े जो शहर हैं वहाँ पे बंद होते हैं, लेकिन ये आपको पता है इतना बड़ा शहर नहीं है, यहाँ पर सैटरडे को भी ना बैंक ओपन होते हैं। तो कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आकर अपनी ना गाड़ी का फॉर्मेलिटी सारी पूरी करें और बुक करवाएँ। आज नहीं हो पाई, ऊपर से हमने फिर जुम्मा भी पढ़ना है, तो वापस जाना अभी ज़रूरी है। तो ताकत भी घर चला गया है भाई लियाकत और मैं, हम भी अभी वापस घर जा रहे हैं। और मैंने बहुत लंबी सारी स्टोरी आपको सुना दी है, आपको उम्मीद करता हूँ सारी समझ भी आ गई होगी। तो घर चलते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं और इंशाल्लाह कल कुछ नया करेंगे। आज ना मोबाइल पे टेम्परेचर जो शो हो रहा है ना वो 35 है, लेकिन जो बाहर गर्मी है ना वो समझ लें ऐसे लगता है कि जैसे 50 के करीब पहुँच गए टेम्परेचर, इस तरह से आज गर्मी बढ़ रही है। और सड़कें जो है माशाल्लाह से, वो तो आपको पता ही है, आप डेली देखते हैं। मैंने वैसे इमरान खान को कॉल की है कि ना यार ग्रांट दे दे, अब सबर नहीं होता। आज ना मैं बड़ा दिल बना गया था कि आज तो हर सूरत में गाड़ी बुक करवा के ही जानी है, लेकिन क्या कर सकते हैं जब बंदा वैसे ना। आज मैंने एक चीज़ सीखी है कि जब भी निकलो अच्छे से प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी बना के निकलो ताकि आपको ना वापस खाली हाथ ना आना पड़े। तो हम घर तो पहुंच गए हैं और इधर शावेज जो है ना चाचू शावेज को क्या दिखा रहा है, ये जो छोटे-छोटे पैरेट्स हैं ना इनको देख के बड़ा एंजॉय करता है। जी इधर दिखाओ ना, मुझे भी दिखाओ, पैरेट को एंजॉय कर रही हो जी। तो पैरेट्स को देख रहा बहुत खुश होता है, वो उड़ते हैं ना, बोलते हैं ना, तो बहुत खुश होता है। पानी दे रहे हैं, हां जी पानी पिला रहे हैं थोड़ा सा। तो शावेज जो है ना इधर एंजॉय कर रहा है पेरेंट्स को, ऐसे ही है पेरेंट्स को एंजॉय कर रहे हो पेरेंट्स को। अब पापा आ गया, वो देख पापा आ गया, पीली पीली शर्ट है सबने पहनी हुई है पापा जी, गर्मी नहीं, वो देख कैमरे में देख रहा है बस। तो अभी पानी पीते हैं और उसके बाद फिर जुम्मा पढ़ने जाना है। जुम्मा पढ़ के आए हो? हाँ। पढ़ के आए हो? पढ़ आए हो? तो जुरेज ने नहीं पढ़ा, जुरेज भी पढ़ के आ गया। अच्छा तो खाना खा लिया? खाने में क्या खाया? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। सिराज जो है जुरेज को भी लेके आया, भाई उसे पूछ लो कि जुम्मा पढ़ के आए हो। हाँ भाई तुम भी जुम्मा पढ़ के आए हो? हाँ। तुमने शावेज मिश्राज कहाँ पे पढ़ा जुम्मा? मस्जिद में। चलो ठीक है, शाबाश, ऐसे पढ़ा करना है ठीक है ना। हाँ सारे पढ़ाए हो? अच्छा तो इधर अम्मा जी और सदाकत भी बैठे हैं, राज भी इधर सेट होके बैठ रहा है। और अम्मा जी पूछ रही थी गाड़ी का, तो हम गए हैं जी माशाल्लाह से हमेशा की तरह ही। और गाड़ी का हाँ क्या है, हाँ ये है ना तुम हो, वो कह रहा है मुझे भी ले के आओ कैमरे में, मैं क्यों नहीं आ रहा, इधर अब आ रहे हो ना ठीक है। हाँ अब ठीक है। हाँ तो गाड़ी हम देख रहे हैं, पसंद भी आ गई है और वो थोड़ी सी अभी ना सरप्राइज रखी है कौन सी है, आपको पता चल जाएगी, कोई मसला नहीं है, व्यूअर्स को भी पता चल जाएगी। तो बाकी बुक करवाने की जो बात है, आज तो पक्के वो के कहते हैं ना पुख्ता अहद करके गए थे कि आज बुक करवा के ही जानी है, लेकिन बुक का सारा काम भी कर लिया था। लेकिन जब बैंक गए हैं ना वहाँ पे जो प्रोसीजर थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो वो बैंक गए हैं तो बैंक बंद हो गया, वो कहते हैं कि आज है जुम्मा और आज आपका काम नहीं हो सकता, तो आप बराए मेहरबानी घर तशरीफ़ लेके जाएँ। तो आज फिर वो डिले हो गई, अदरवाइज़ ना आज तो दिल था कि बस ना उठा के ले आए गाड़ी, लेकिन वो कहते हैं ना जब किस्मत में डिले हो तो हो जाता है। वैसे ना ये मैं सोचा नहीं था, असल में ना हमें निकलना चाहिए सुबह सुबह के टाइम 9-10 बजे निकलते, आराम से पहुँचते, जल्दी जल्दी काम करके बैंक से होम करके आ जाते। लेकिन जब हम बैंक में पहुँचे ना तो जुम्मे का टाइम करीब हो गया था, तो बैंक बंद हो गया, तो इस वजह से फिर वापस आना पड़ा। अदरवाइज गाड़ी समझ लें डाउन हुई खड़ी है, बस अब जाके ना वो कागजी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है और गाड़ी हमारी। हाँ अम्मा अब खुश हैं? तो आज की वीडियो इतनी थी, और गर्मी माशाल्लाह से हमेशा की तरह ही जुम्मे वाले दिन बहुत ज़्यादा होती है, और आज भी वैसे ही उसी तरह ही है। तो अभी जुम्मा पड़ गए हैं तो पसीनों पसीन हो गया है हम, तो अभी थोड़ा पंखे के सामने बैठते हैं, खाना शाना खाते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और गर्मी से बचें। आजकल ना कराची में सुना है कि अच्छा मौसम होता है, समंदर है ना पास में, दोस्त मेरा एक बता रहा था, तो कराची चले जाए। तो हमें इजाज़त दीजिए, हम भी कोशिश करते हैं कि कहीं और निकल जाए जहाँ बर्फ़बारी हो रही हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।